स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे रॉ वर्सेस जेपेक के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो ये डिबेट आज इसलिए गया कि आज के दुनिया में डिजिटल कैमरा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमारी पूरी ज़िंदगी फ़ोटोज़ के इर्द गिर्द घूम रही है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो। बेसिकली आपके लाइफ में अब फ़ोटो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, व्हाट्सएप में भी फ़ोटो ही है। तो आप ये समझना पड़ेगा कि जो भी फ़ोटो खींचा जाता है वो डिजिटल सेंसर से खींचा जाता है, चाहे वो इतना बड़ा हो फुल फ्रेम जैसा या इतना छोटा सा जो आपके मोबाइल में लगा रहता है। लेकिन ये सारे सेंसर ब्लैक एंड वाइट होते हैं, और ब्लैक एंड वाइट सेंसर से कलर फोटो निकालने के लिए आप सेंसर तो ब्लैक एंड वाइट ही रखते हो, फिर उसके ऊपर एक कलर फिल्टर लगाया जाता है जो इस तरह का होता है, जिसमें एक पिक्सल लाल होगा, एक पिक्सल हरा होगा, दूसरा पिक्सल नीला होगा। ऐसे लाल हरा नीला को मिला के डेटा निकाला जाता है। तो वो कलर फिल्टर का इन्फॉर्मेशन आप जब रॉ के साथ मिलाते हैं तब आपको एक कलर फोटो मिलता है। तो रॉ जब जब भी आपको ये कहता है कि रॉ फाइल दो हमको, तो उसका वही मतलब हो रहा है कि जो इससे निकला है सेंसर से कम छेड़छाड़ के बाद, कम से कम ट्रांस कंप्रेशन के बाद, मतलब एकदम सीधा सेंसर से जो आया उसे हम लोग रॉ कहते हैं। और सेंसर में ये इन्फॉर्मेशन रहता है कि कौन कलर फिल्टर है। ज़रूरी नहीं कि मतलब आपको मैन्युअली डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कलर फिल्टर है या नहीं है। फिर ये समझिए कि ठीक है, ये तो बहुत बड़ा बड़ा फाइल दे देता है रॉ, और आप समझ सकते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटो किसी को आप दिखा नहीं देखना चाहता है कोई। तो इसीलिए एक जेपेक फॉर्मेट है जिसको कहा जाता है जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप। बस जब काफ़ी लोग कंपनी आके साथ में इस फॉर्मेट को बनाई जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर लिया। ये फॉर्मेट में काफ़ी फायदा है लेकिन नुकसान भी है। तो इस फॉर्मेट को समझिए एंड प्रोडक्ट है। जैसे भी आप कोई फोटो खींचते हैं तो आपके पास एक नेगेटिव निकलता है, नेगेटिव को आप डेवलप कराते हो, डेवलप कराने के बाद उसको आप ये करते हो, मतलब एक्सपोज करवाते हो एक बड़े कागज पे। उसके बाद इतना तिगड़म करने के बाद जो फाइनल फोटो आता है एंड में, तो वही है आपके नेगेटिव में बहुत इन्फॉर्मेशन था, लेकिन जो अगर आप प्रिंट निकाले एंड में तो आप वही सबको दिखाओगे। इसीलिए वैसे ही समझिए वो जो एंड वाला फॉर्मेट होता है वही है जेपेग। तो आपके व्हाट्सएप में जो फोटो जा रहा है वो रॉ नहीं है, कैमरा रॉ हमेशा खींचता है लेकिन प्रोसेसर उसको मतलब प्रोसेस करके जेपेग में बदल देता है, ताकि जेपेग छोटा है आसानी से इधर उधर जा सकता है। तो रॉ के बारे में हम लोग ये समझते हैं कि आपको जैसे मतलब रही है वो सीधा ऐसे समझिए डिजिटल नेगेटिव जैसा ही है, और इसमें मतलब जो सेंसर आपका डेटा दे रहा है इसमें कम से कम छेड़छाड़ की जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई छेड़छाड़ नहीं होता, ये आप मत सोचिए कि जो सेंसर से निकल रहा है वो सीधा दिया जाता है, वो सिर्फ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए किया जाता है, जनरली कंज्यूमर इंस्ट्रूमेंट पे वैसा नहीं किया जाता है। तो आपको थोड़ा सा कंप्रेशन तो उसमें भी होता है लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप अच्छे हाई एंड DSLR में आप तो देखेंगे कि आराम से मिल जाएगा 14-bit रॉ, 12-bit रॉ। तो ये सब जो बिट रॉ बोला जा रहा है वो इसलिए कंप्रेशन देते हैं कि आप 12-bit रॉ और 14-bit रॉ के बीच में अंतर आप बता नहीं पाओगे, लेकिन आपका फाइल साइज़ तो बड़ा हो गया। तो आप चूज़ करो, मान लीजिए आपका कैमरा स्किल अच्छा है, आप अच्छे से फोकस कर पाते हैं, आप अच्छे से एक्सपोज कर पाते हैं, अच्छे से वाइट बैलेंस सेट कर लेते हैं, तो आपको रॉ का उतना ज़रूरत है नहीं कि मतलब आपको रॉ में लोग इसीलिए लेते हैं कि छेड़छाड़ कर सकें। लेकिन अगर आपका फोटो मतलब कैमरा में ही जो एक्सपोज हो रहा है वही अच्छा हो रहा है तो आपको ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर कई बार 14-bit रॉ की जगह सिर्फ 12-bit यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन कोई चैलेंजिंग सिचुएशन जहाँ बात बात पर लाइट चेंज हो रहा है या बहुत सारा कलरफुल सिनेरियो है तो वो लोग शायद 14-bit पे शूट करेंगे, ताकि उससे मतलब थोड़ा बेनिफिट रहे कि मान लीजिए आप मिस भी कर दिए तो अपने कंप्यूटर में थोड़ा सा ज़्यादा रूम रहेगा छेड़छाड़ करने के लिए। इसलिए ये समझिए कि रॉ में कम से कम छेड़छाड़ किया जाता है और लगभग ना के बराबर कंप्रेशन होता है। फिर ये समझिए कि जैसे आप लोगों को पुराने लोगों को याद होगा कि इसको डेवलप करने के लिए एक्चुअली एक केमिकल के बाथ में डाला जाता था, तो हर बाथ के हिसाब से अलग अलग में जाता था। मतलब ऐसा नहीं था कि आप एक ही नेगेटिव एक में डालिएगा तो आपको लाल आएगा, एक दूसरे में डालिएगा पीला आएगा, लेकिन कलर का शेड बदल जाता था। मतलब एक में लाल बहुत गाढ़ा एकदम स्ट्रांग लाल आता था, किसी किसी में ऐसा होता था कि थोड़ा सा नीला जो है थोड़ा ब्राइट हो रहा है। तो ये सब मिला के मतलब आप ये समझिए कि आप कोई कोई जो स्टूडियो है वो अलग अलग आउटपुट देता था, तो वैसा ही रॉ में भी होता है। तो रॉ को डेवलप करने के लिए ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहले आपको तो पता ही होगा एडोबी लाइट रूम के बारे में, वो एक तरीके से प्रोसेस करता है। फिर एक है लाइट जोन, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डार्क टेबल है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। एक है कैप्चर वन, ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, मतलब लाइट रूम के अगर आसपास भी कोई आता है प्रोफेशनल लेवल पे तो वही आता है। तो और ये सब में एक ही रॉ आप मतलब कॉपी पेस्ट करके एक ही रॉ सब में डाल दीजिए, आपको एकदम जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि लाल पीला हो जाएगा काला नीला हो जाएगा, लेकिन एक अलग शेडिंग आएगी। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप ट्राई कीजिए, खास करके ये दो, क्योंकि ये दोनों फ्री है। तो आप ट्राई करके देखिए, शायद आपको एक का कलर रेंडिशन अच्छा लगे, क्योंकि लाइटरूम ठीक है लेकिन आपको क्रैक करने में या उसको खरीदने में बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, तो आप ये सब ट्राई कर सकते हैं। इसलिए ऐसा मान के मत चलिए कि लाइटरूम से ही पूरी दुनिया शुरू हो रही है, लाइटरूम से ही पूरी दुनिया ख़त्म हो रही है।
तो इसीलिए रॉ को जैसे आप छेड़छाड़ करेंगे उसके हिसाब से उसकी आउटपुट निकलेगी। फिर हम लोग आते हैं तो रॉ में अगर ऐसा फ़ायदा है तो जेपेक क्यों इस्तेमाल करते हैं आप। तो जेपेक हम लोग क्यों बात करते हैं, तो जेपेक के बारे में आप ये समझिए कि जेपेक जो है, जेपेक एंड में आपका व्हाट्सएप जेपेक ही लेता है, फेसबुक व्हाट्सएप मतलब फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, ये सब एंड में तो आपका जेपेक ही ले रहा है। आप कितना भी तिगड़म लगाइए है तो जेपेक ही, तो इसीलिए इसको फाइनल कहा जाता है। जेपेक है आपका फाइनल जो मिलेगा, जैसे कि आप नेगेटिव में कुछ भी हो आप उसको प्रिंट करके जब मतलब आपके पास एक्चुअली डेवलप करके आ जाता है फोटो, तो उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना, ये है आपका फाइनल। तो ऐसे ही डिजिटल में भी रॉ को एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, मतलब कोई कैमरा मैन्युफैक्चर हो या कोई आर्टिस्ट हो वो नहीं एक्सपेक्ट करता कि रॉ आपको दे, वो रॉ अपने लिए रखा है कि हम रॉ ले लेते हैं उसमें छेड़छाड़ कर देते हैं उसके बाद हम आपको फाइल देंगे। तो रॉ इसलिए ये मत समझिए कि कभी ऐसा बनाया ही नहीं जाता है रॉ की रॉ आपके पास आए, रॉ का वो काम नहीं है। रॉ का काम बस ये है कि फोटोग्राफर को थोड़ा सा कंफर्टेबल एक वर्किंग एरिया दे दे जिसमें कि अरे थोड़ा सा इसका वाइट बैलेंस अगर ऐसा होता तो मज़ा आ जाता, चलो चेंज कर लो, अरे थोड़ा सा मतलब इसमें एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर दे तो मस्त एकदम हो जाएगा, चलो वो कर लो। इसलिए ये समझिए कि ये सब करने के बाद एंड में आप रॉ से जेपेग ही निकालेंगे, एंड में आपका जेपेग ही जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन जेपेग कहाँ से आप निकाल रहे हैं ये फ़र्क पड़ता है। जैसे कैमरा का जो जेपेग है वो एक कंप्यूटर बना रहा है, वो मतलब एक एल्गोरिदम पे, आपको अगर पसंद आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद आया आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जैसे आप रॉ कैमरा से शूट किए उसको आप अपने लाइट रूम में लाए तो आप टाइम दे के अच्छे से कि हाँ मेरे को इस तरह का थोड़ा ट्विक करना है, मेरे को यार थोड़ा लाल कलर थोड़ा सा बढ़ाना है, मुझे थोड़ा नीला थोड़ा ठंडा कर देना, कुछ ज़्यादा नीला लग रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप लाइट रूम से भी एंड में जेपेग ही निकालिएगा, और आप वहाँ से अगर जेपेग निकालते हैं तो आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं कितना क्वालिटी का आएगा, आपको लॉसलेस वेरी लो कंप्रेशन का जेपेग आउटपुट मिल जाएगा। हाँ उसको आप जैसे जैसे शेयर करते जाएगा, जैसे कोई फेसबुक में डाला तो फेसबुक आपका फाइल तो जेपेग लेगा लेकिन उसको कंप्रेस कर देगा, ऐसा नहीं कि वो 8 MB का जेपेग लिया तो 8 MB का दूसरे तरफ भेजेगा, लेगा और उसमें ऑप्शन दे देता होगा, आप देखते होंगे फेसबुक पे अपलोड करते हैं तो शो ओरिजिनल साइज, तो उसमें जब कोई वो बंदा वो क्लिक करता है रिसीवर एंड में कि शो ओरिजिनल, तब उसको वो 8 MB का फाइल देगा, जनरली वो 8 MB का लेके उसको 2 MB का कर देगा, साइज सेम रहेगा डिटेल भी सेम है बस क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो एंड में हमेशा जेपेग ही आता है पब्लिक के पास, तो ये समझिए कि जेपेग जब बन गया अच्छा से आपने बना लिया जेपेग तो उसमें इंप्रूवमेंट का जो रूम होता है कितना छेड़छाड़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके कैमरा से आपने लिया फोटो और आपका लग रहा है यार थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो गया थोड़ा सा कम कर देते हैं, जेपेग में उतना अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि रॉ में आप दिन रात का अंतर कर देंगे, ये मत सोच के घुस जाइएगा कि हाँ अरे हम रॉ खुच कर लें एक्सपोजर का हमको कोई देना लेना देना नहीं है। अगर ओवर एक्सपोज वो रॉ में है तो जेपेग में भी होगा, बस रॉ में रिकवर करने का ज़्यादा चांस रहता है, मतलब समझिए गाड़ी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लीनियंसी मिल जाती है। तो रॉ को आप इसलिए शूट कीजिए कि आर्टिस्टिक रीजन है, आप इसलिए मत शूट कीजिए कि गलती हमने कर दिया रॉ शूट करने में, ये मतलब कैमरा शूट करने में और हम रॉ में सब सुधार लें। थोड़ी मोड़ी गलती सुधार सकते हैं, खास करके वाइट बैलेंस आप आराम से सुधार सकते हैं लेकिन बाकी चीज़ नहीं सुधरेगा। तो ये समझ लीजिए जेपेग में इंप्रूवमेंट का जगह नहीं होता उतना, लेकिन इसका फ़ायदा भी है कि साइज़ बहुत छोटा होता है, मतलब बताया एक आपका रॉ फाइल 24 MP का रॉ फाइल आराम से 30 से 50 MB तक हो सकता है, जेपेग बेयरली 10 MB का होगा। तो हम आते हैं रॉ वर्सेस जेपेग, तो आप ये समझिए कि कोई भी एक फॉर्मेट सब चीज़ नहीं सॉल्व कर सकता है, तो आपको ये समझना होगा कि क्या क्या चीज़ आपको बैलेंस करना है ताकि आप खुद डिसीजन लें कि क्या मुझे रॉ में शूट करना चाहिए या जेपेग में शूट करना चाहिए। तो सबसे पहला साइज़, आपका मेमोरी कार्ड कितना बड़ा, मान लीजिए आप DSLR तो खरीद लिए एकदम भयानक सा DSLR खरीदिए लेकिन वही 8 MB का ये मतलब 8 GB का आप कार्ड लेके बैठे हुए हैं, आप रॉ शूट करना शुरू किए तो 100 फोटो में ही वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए पहले आप सबसे पहले साइज़ देखिए, और साइज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ मेमोरी कार्ड में देखें, आप ये भी देखिए कि आपके क्या कंप्यूटर में उतना खाली जगह है कि पिक्चर भी भरा हुआ है कि आपके हार्ड डिस्क में जगह ही नहीं है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि साइज़ फ़र्क पड़ता है कि आप रॉ खींच रहे हैं आप उसको चाहोगे कि रखे रहें अपने पास कि मान लो कल को अगर अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया या कोई फोटो को दोबारा मन नहीं खुश हुआ दोबारा बैठ के डेवलप करने का कोशिश की, इसलिए रॉ को डिलीट नहीं किया जाता है। तो आप साइज़ देखिए, फिर ये होता है कि शूट कर रहे हैं जिस टाइम आप शटर खींचे टट 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 कर रहे हैं उसमें स्पीड कितना आता है, जेपेग में ज़्यादा स्पीड मिलता है क्योंकि प्रोसेस हो चुका रहता है और फाइल छोटी रहती है तो कार्ड में उसको राइट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो फट 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 करके आपका शूट करें। जैसे अगर मैं ये कैनन 800D में अगर जेपेग में शूट करता हूँ, जेपेग ओनली में, जेपेग लार्ज में इसमें कोई बफर ही नहीं है, मतलब जब तक कार्ड फुल नहीं होता मैं हर शटर खोल के रख सकता हूँ तब तक खींचता रहेगा, लेकिन रॉ प्लस जेपेग करता हूँ तो स्पीड कम हो जाता है, सिर्फ रॉ करता हूँ तो थोड़ा स्पीड ज़्यादा मिलता है, लेकिन मतलब मैं रॉ प्लस जेपेग में जनरली शूट करना चाहता रहता हूँ।
तो आपको स्पीड देखना पड़ेगा, पहले साइज देखिए फिर स्पीड देखिए। जैसे आप मान लीजिए स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं बार बार, आप एक दो बार शूट कीजिए ताकि एकदम एक्सपोजर को, वाइट बैलेंस को, ये सब को एकदम ठीक ठाक कर लिए। उसके बाद आप जेपेंग में शूट कीजिए ताकि आपको, क्योंकि जेपेंग में शूट करने से लगभग हर कैमरा आपको ज़्यादा बर्स्ट स्पीड देगा, तो बर्स्ट स्पीड लेने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप ज़्यादा शॉट ले पाएंगे, तो ज़्यादा शॉट में ज़्यादा चांसेस होगा कि कोई शॉट एकदम परफेक्ट हो, तो इसीलिए स्पीड भी आपको देखना पड़ेगा। फिर ये आता कि अरे वो सब तो कर लिए, लेकिन एंड में जो कहते हैं ना पैसा ही समय ही पैसा है, तो टाइम के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। टाइम के बारे में आप ऐसा सोचिए कि जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक फेस्टिवल में अपने रिश्तेदारों का फोटोग्राफी किया, तो करीब 200 फोटो लिया, मुझे करीब 4.5 घंटे लग गए उस फोटो को प्रोसेस करने में। एक फोटो नहीं, मतलब 200 फोटो थे, और मतलब फोटो डिलीट कर रहा हूँ, क्रॉप कर रहा हूँ, कलर वाइट बैलेंस चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा सैचुरेशन ह्यू ये सब एडजस्ट कर रहा हूँ, तो टाइम लगता है। क्या आपके पास उतना टाइम है? अगर आप हॉबी के लिए कर रहे हैं शायद आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ये करने में, इसीलिए इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आपको जो करना है करिए। तो आप ये तीनों चीज को बैलेंस कीजिए, अपने हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए, रॉ या जेपेग। तो उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी से आपको लाभ हुआ हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। मैं कहूंगा कि आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए तो मेरा बहुत भला हो जाएगा, और अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।